भूसंकलन की चपेट में आए जुखाड़ी पंचायत का नवनिर्मित भवन और बाहा स्कूल का भवन, पंचायत भवन और एक रिहायशी मकान करवाया खाली। स्वारघाट के साथ लगते जिला सोलन के नालागढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत जुखाड़ी के पंचायत स्टाफ व जन प्रतिनिधियों और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहा के बच्चों व स्टाफ को हर समय डर के साय में रहना पड़ रहा है, क्योंकि जुखाड़ी पंचायत का नवनिर्मित भवन और इसके साथ सटी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहा का भवन भारी भूसंकलन की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि जुखाड़ी सड़क से लेकर घनीरी तक काफी बड़ा क्षेत्र भूसंकलन की चपेट में आ चुका है, जिसमें लोगों के रिहायशी मकान भी शामिल हैं। जगह जगह भूमि 10 से 15 फीट धस चुकी है। मंगलवार को पंचायत भवन को खाली करवा दिया गया और पंचायत का रिकॉर्ड व अन्य सामान किसी और जगह सुरक्षित रखे गए हैं। वहीं कुछ दूरी पर स्थित रवि कुमार के रिहायशी मकान को भी खाली करवा दिया गया। बात करें पंचायत भवन की तो पंचायत के पीछे लगाई गई कंक्रीट की दीवार धीरे धीरे धस रही है और दीवार के धसने और स्लाइडिंग से पंचायत के शौचालय भी गिरने की कगार पर हैं। बारिश में भवन के पीछे की दीवार कभी भी ढह सकती है और पंचायत भवन को तहस नहस कर सकती है। इसी के साथ पंचायत भवन के साथ लगती राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाहा का भवन भी धसने की कगार पर है। बहुत खतरा है और मैंने विभाग को भी इसके बारे में सूचित कर दिया, बीडीओ साहब को फोन करके बता दिया था और मुझे भी इसमें खतरा है और मैं भी नहीं यहाँ बैठ सकता। और मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहा 6 तारीख रात को हमारे स्कूल के पीछे वाला जो ग्राउंड है वो भारी बारिश के कारण धंस गया था। जब हम 7 तारीख को यानी कि पिछले कल यहाँ पर पहुँचे तो हमने सारी स्थिति का जायज़ा लिया और उसके बाद हमने पहले तो जो मौजा चंबा के पटवारी जगदेव जी है उनको हमने सूचित किया और उन्होंने हमें कहा कि इसकी जो लैंडस्लाइडिंग की फ़ोटोज़ है वो मुझे भेजो तो मैं आगे तहसील के लिए फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो वो कार्रवाई करने के बाद तुरंत बाद जो है उन्होंने हमें बता दिया कि आपका जो ये आपने भेजा उसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है तहसील हेडक्वार्टर पे। उसके बाद हमने ये भी उचित समझा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लगभग 200 के करीब छात्र है तो क्योंकि स्लाइडिंग के कारण जो है खतरा बढ़ता देख हमने ये उचित समझा कि हम अपनी जो हायर अथॉरिटीज़ है उनको सूचित करना उचित समझा। उसके बाद हमने एक लेटर बनाया और उसको तुरंत ईमेल के माध्यम से डिप्टी डायरेक्टर सोलन को और साथ में ही डीसी महोदय एसडीएम महोदय को हमने ईमेल के माध्यम से भेजा और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर महोदय जी ने ये प्रपोज़ल एसडीएम साहब को, क्योंकि नालागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत हमारा स्कूल आता है, उनको भेजा और लगभग शाम को 3 बजे जो है वो कार्रवाई करते हुए एसडीएम महोदय की तरफ से भी हमें जो है जो भी है पत्र व्यवहार भी हुआ और टेलीफोनिकली भी बात हुई और फिर उसके बाद जो है उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बहा को 2 दिन एहतियात के तौर पर जो है बंद रखने का हमें लेटर जो है प्राप्त हुआ ईमेल के माध्यम से
और उसके बाद हमने छात्रों को भी सूचित किया कि क्योंकि खतरा लैंडस्लाइडिंग के कारण जो है बच्चों को कमरों में बिठाना जो है हमने उचित नहीं समझा, इसलिए हमने बच्चों को जो है क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ का जो हमारे पास आया कि दो दिन जो है स्कूल क्लोज़र का, तो उसके तहत ही हमने जो है बच्चों को दो दिन जो है स्कूल बंद रखा है फ़िलहाल। इसके बाद जो है जो भी हमें दिशा निर्देश हायर अथॉरिटी की तरफ से होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम कार्य करेंगे। धन्यवाद।